एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक, वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको दो स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। दो महीने बाद योगी सीएम नहीं रहेंगे, मोदी का प्लान कुछ अलग ही है। बीजेपी पर सीएम केजरीवाल ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे से लिख कर ले लो, इस बार मोदी सरकार बनी तो दो महीने में योगी सीएम नहीं रहेंगे, यही तानाशाही है। कौन होगा बीजेपी से प्रधानमंत्री, ये भी केजरीवाल ने बताया। आइए आगे जानते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय में अपने समर्थकों को फ्लाइंग किस देते हुए कहा कि मैं आप सभी के बीच वापस आकर बहुत खुश हूं, हमें मिलकर अपने देश को तानाशाही से बचाना है, मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा, मुझे देश के 140 करोड़ लोगों को समर्थन चाहिए। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज, वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर, रमन सिंह, राजनीति मोदी जी ने खत्म कर दी है, अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है, अगर चुनाव जीते तो दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे, यही तानाशाही है, ये वन डे नेशन वन लीडर चाहते हैं। आगे केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अपने साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी जी रिटायर कर दिया गया, फिर मुरली मनोहर जोशी को, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा को रिटायर कर दिया गया, अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? उन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महीने में ये योगी जी को निपटाएंगे, इसके बाद मोदी जी सबसे खास अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे पद का लालच नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतती है तो ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और उद्धव ठाकरे सहित विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने बिना नाम लिए अजित पवार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्ट लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का ध्यान भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर है। पीएम कुछ लोगों का आरोप लगाते हैं कि वे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल थे, कुछ दिनों के बाद उन्होंने उन लोगों को उप मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि हमें कुचलने में कोई असर नहीं छोड़ी, 75 साल के दौरान इस कदर किसी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की है। पीएम मोदी खुद मानते हैं कि आप आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज कर सकती है, पीएम से जो भी मिलने जाता है उससे वो 15 मिनट आपके बारे में बात करते हैं। चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री ने बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी, वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी, अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए मेरे से लिखवा लो, दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे।